हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने कुछ दिनों पहले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए थे, जिनके थ्रू यहां पर 17,727 वैकेंसीज को भरा जाएगा। सिलेक्शन आपका यहां पर टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम के आधार पर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर और स्किल टेस्ट के आधार पर यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। डेट की अगर बात करें तो इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट से ऑनलाइन फॉर्म 24 जून 2024 से 27 जुलाई 2024 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। आपका सीजीएल टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो 9 से 26 सितंबर 2024 के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है और टीयर सेकंड का एग्जाम दिसंबर 2024 को कंडक्ट होगा। एग्जाम की अलॉटमेंट सिटी अलॉट हो चुकी है। एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड लिंक 1 एंड लिंक 2, इन लिंक्स पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे ही आप लिंक 1 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहां पर आपको एडमिट कार्ड के स्टेप दिस पर क्लिक करना है। यहां पर आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। गाइज, आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर ssc.gov.in टाइप करके इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गाइज आप यहां पर टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर ये टैब दी गई है, आपको इस टैब पर क्लिक करना है। यहां पर आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके वहां से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। या फिर गाइज आप यहां पर लिंक 2 पर अगर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहां पर एसएससी की ओल्ड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर आकर आपको टॉप पर ही ऊपर एडमिट कार्ड का सेक्शन दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने एसएससी के सभी रीजनल वेबसाइट के लिंक ओपन हो जाएंगे। यूआरएल के सेक्शन में आकर आपको ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, साउदर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिस भी रीजन के अंतर्गत आपने अपना फॉर्म फिल कर रखा है उस रीजन के लिंक पर आपको क्लिक करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर हमने आपको ईस्टर्न रीजन कोलकाता और यहाँ पर कर्नाटका केरला रीजन और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट ओपन करके दिखाई है। इन वेबसाइट में यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिंक दिए गए हैं। आपको एडमिट कार्ड के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। सीजीएल के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको रिसेंट अपडेट सेक्शन में एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एडमिट कार्ड का यहाँ पर सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर आपको जैसे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टीयर फर्स्ट के एडमिट कार्ड का स्टेटस और एग्जाम का स्टेटस उनके लिए लिंक दिया गया है। आपको इसके सामने डिटेल्स के सेक्शन में आकर क्लिक है लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में, मतलब पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक टू नो द स्टेटस एंड एडमिट कार्ड आपको इस टैब पर क्लिक करना है, लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर शो हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर क्या आपकी एग्जाम की डेट है, किस वेन्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो और किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो। सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइज, आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस।
इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, बिना इनके एग्जामिनर आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसे आप अपना एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड नोटिस पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का एग्जाम 9 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपके रिलीज कर दिए गए हैं, आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप अपने एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।